जब हम फल, सब्जियां या अनाज खरीदते हैं तो उनके द्रव्यमान के आधार पर उनकी मात्रा तय करते हैं। माप के लिए किलोग्राम एक मानक इकाई है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये मानक कैसे तय हुआ? क्या ये मानक सटीक है? सामान्य रूप से देखें तो द्रव्यमान के आधार पर किलोग्राम वस्तुओं का भार मापता है, लेकिन किलोग्राम की वैज्ञानिक परिभाषा 100 वर्ष से भी अधिक पुरानी है। फ्रांस के सवेरा स्थित ब्यूरो इंटरनेशनल डेस पॉइंट्स एट मेजर्स यानी BIPM में वर्ष 1889 से रखे धातु के एक टुकड़े को किलोग्राम के रूप में परिभाषित किया गया है। वैज्ञानिक रूप से एक किलोग्राम 90% प्लेटिनम और 10% इरिडियम से बने एक सिलेंडर बार के वजन के बराबर होता है। इसे इंटरनेशनल प्रोटोटाइप किलोग्राम या IPK कहते हैं। इसका प्रतिरूप विभिन्न देशों को दिया गया है ताकि पूरी दुनिया में मापने की इकाई एक समान हो। भारत समेत 58 देशों को इसका प्रतिरूप दिया गया है, लेकिन सभी देशों के राष्ट्रीय मानक माप ने पाया कि इतने वर्षों में सिलेंडर के द्रव्यमान में क्षय हुआ है और इसके वजन में लगभग 50 माइक्रोग्राम की कमी आई है। हालांकि एक माइक्रोग्राम बेहद छोटी इकाई है, लेकिन माप की प्रक्रिया में इसका महत्वपूर्ण असर पड़ता है। किसी वस्तु पर धूल कण पड़ने अथवा समय के साथ उसमें क्षय होने से उसके द्रव्यमान में अंतर पड़ता है। इस समस्या के सटीक समाधान के लिए BIPM ने 16 नवंबर 2018 को किलोग्राम की नई परिभाषा को मान्यता दी, जिसे मई 2019 से लागू किया जाएगा। किलोग्राम को फिर से परिभाषित करने के लिए 60 सदस्य देशों वाले वेट्स एंड मेजर्स के सेबरा में हुए 26वें आम सम्मेलन में मतदान हुए। इस ऐतिहासिक अपडेट के बाद किलोग्राम को इलेक्ट्रिक किलो के नाम से जाना जाएगा। द्रव्यमान का सही माप दवाओं के विकास, सूक्ष्म प्रौद्योगिकी तथा इंजीनियरिंग में स्पष्टता के लिए आवश्यक है। माप की सभी इकाइयों को इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स या SI प्रणाली से मान्यता मिलती है। इस प्रणाली में अधिकांश इकाइयों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली हुई है। इन SI इकाइयों में मीटर, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला और मोल शामिल हैं। अब किलोग्राम को प्लैंक स्थिरांक के आधार पर परिभाषित किया गया है, जो सेकेंड तथा प्रकाश की गति पर आधारित है। प्लैंक स्थिरांक को केवल संतुलन के इस्तेमाल में मापा जाता है, जबकि पारंपरिक संतुलन प्रणाली में एक वस्तु के वजन की तुलना गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर दूसरे से की जाती थी। केवल संतुलन में एक ओर विद्युत चुंबकीय वस्तु होती है तथा दूसरी ओर एक वजन होता है। विद्युत चुंबकीय वस्तु में विद्युत प्रवाह तब तक बढ़ाया जाता है जब तक दोनों पक्ष बिल्कुल सटीकता के साथ बराबरी पर ना आ जाएं। You always know that the forces can also be generated by the electromechanical waves. So what you did here, the coil and pass a current in and applied a magnetic field. So the balance between the current flowing in a conductor applied in magnetic field will always experience a force. So this force is now equivalent to the 1 kg. Now this force, when you are measuring, there are two things which comes into the parameter measurements. One is the current and is the voltage. Now current can be read by the voltage divided by resistance, and the voltage can be measured by quantum Hall effect, which has got a Planck constant in it. Similarly, the voltage is also measured by the Josephson voltage, which can be measured very accurately in terms of Planck constant. So Kibble, initially he gave it a watt balance as a name, because the mechanical weight was equal to the electrical weight. आप ये सोच रहे होंगे कि इससे क्या फायदा होगा। दरअसल इससे अणु जैसे बेहद छोटे द्रव्यमान की भी सटीकता के साथ माप की जा सकेगी। माप की नई प्रणाली विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों तथा संबंधित उद्योगों जैसे फार्मास्यूटिकल्स, विमानन, निर्माण तथा जैव प्रौद्योगिकी में मददगार साबित होंगी।